यही कह रहा था मैं आपको, मैं यही कह रहा था। सो दिस प्रूव्स एवरीथिंग। मैं इस स्टेटमेंट की बजात में ये कहूंगा कि देखिए छोटी स्क्रीन को ऊपर ना एक तो मोनोटनस हो गई थी बहुत ज्यादा, स्टीरियोटाइप हो गया था। इस तरह का स्क्रिप्ट, इस तरह का प्लॉट स्ट्रक्चर, इस तरह का जो भी लैंडस्केप था ना वो अभी तक आया नहीं था। और देखें जैसे ही वो आया है तो उसके अंदर एक ऑरा, एक पर्सनैलिटी की, एक पर्सनैलिटी कल्ट की जरूरत थी। तो हमारे सिनेमा में इस वक्त जो पर्सनैलिटी कल्ट है वो बाद में सुबह, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि वो मेरा, मैं उसको ऑन करता हूँ, मेरा सुपर स्टार है वो। मेरे लिए ड्रामे के अंदर होना, यहाँ पे आना फैन मोमेंट है जिसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ एज एन एक्टर, लेकिन फैन मोमेंट है मेरे लिए। तो चूंकि फहद आया है तो उसने एकदम स्क्रीन को इतना बूस्ट दे दिया कि एकदम फहद 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 और ड्रामा, फरत इश्तियाक, बदर महमूद, बिग बैंग प्रोडक्शन, कास्ट, ये साइंस बन गए, सक्सेस की इक्वेशन बन गई। सर ये नंबर्स आए आपके पास 13 इयर्स के बाद, ये नंबर्स पहले किसी दूसरे के पास थे, अब ARY के पास हैं। अब ARY समेत दूसरों को और तकद्दो करना पड़ेगी, इसके लिए बहुत ज्यादा उनको स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, एक स्ट्रेटेजाइजिंग ब्रेन के साथ ड्रामे करना पड़ेंगे कि जिसपे इस नंबर को भी बीट किया जाए, जो कि बहुत मुश्किल है। मैं ये कहता हूँ एंजॉय व्हाट ही गिव्स, क्योंकि वो इतना पार एक्सीलेंस अचीव कर चुका है इस एक्टिंग की फील्ड में, इंडस्ट्री में बहुत आगे जा चुका है माशाल्लाह। वो देखिए आप, यही कह रहा था मैं आपको, मैं यही कह रहा था। सो दिस प्रूव्स एवरीथिंग।